नमस्कार मित्रों, आज मैं जितेंद्र कुमार इन्वावरटेक के तरफ से आपको सॉफ्ट बबल कैलकुलेटर जिसका मॉडल नंबर APM 520 है, उससे रोटामीटर का कैलिब्रेशन और उसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हम लोग से या इन्वावरटेक से जो सॉफ्ट बबल इंटरमीडिएट चेक के लिए जो खरीदते हैं वो किस तरह आपको प्राप्त होती है और उसको किस तरह लगाया जाए वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सॉफ्ट बबल कैलकुलेटर आप को इन्वावरटेक से जो प्राप्त होता है उसका स्वरूप इस तरह होता है। इसमें जो सिलिकॉन पाइप लगी हुई हैं इसका कनेक्शन मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको किस तरह आप लगाएं, एक सुरक्षित स्थान पर लगाएं। दो क्लिप आप यहाँ कहीं भी सुरक्षित स्थान पर, लेबोरेटरी या कहीं भी लगा के इसको आप एक ऐनक की तरह टांग लीजिए मजबूत स्थिति में। फिर आपको प्राप्त होगा उसमें ये ब्लाडर नहीं रहते हैं, ब्लाडर अलग से दिया रहता है। तो उस ब्लाडर को एक पेशकेश की सहायता से आप इसको ढीला करके इसमें लगा के इसको टाइट कर लीजिए। तो आपको ये चीज़ करनी होती है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो सॉफ्ट बबल सॉल्यूशन जो दिख रहा है इसमें आप इजी पाउडर को लेके, इजी या कोई भी सॉल्यूशन को लेकर 1:3 के रेशियो में, अगर 1% इजी ले रहे हैं तो 3% आपको पानी का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। फिर उस सॉल्यूशन को एक वाश बोतल में इस तरह से भर लें। फिर उस वाश बोतल से ये जो नली दिख रहा है आपको सॉफ्ट बबल में, उस नली के द्वारा आप इसको इस तरह से फिलअप कीजिए। तो कभी कभी आप फिलअप करते रहोगे तो ये पानी आपका सॉल्यूशन गायब होता दिखेगा, आप असमंजस में पड़ जाओगे कि ये सॉल्यूशन जा कहाँ रहा है। तो आपको बता दें 1 लीटर के लगभग आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा 1:3 के रेशियो में। आप इससे डालोगे ये ब्लाडर पूर्ण रूप से भर जाएगी। जब ब्लाडर पूर्ण रूप से भरेगी तो ये सॉफ्ट बबल सॉल्यूशन आपको इस रेंज में, देखिए यहाँ दिख रहा है जो ये ट्यूब दिख रही है, इस रेंज में आपको आनी पड़ेगी। तो आप सॉल्यूशन बना के इसको पहले फिलअप कर लीजिए और घबराएं नहीं, पानी इसी के अंदर रहेगा, आपको लगेगा कि पानी गायब हो जा रहा है। तो ये काम आपका हो गया। फिर इस काम को करने के उपरांत ये जो सॉफ्ट बबल जो है सबसे, ये जैसे देखिए सॉफ्ट बबल यहाँ 0 से 1000 ml दिख रहा है, ठीक, लेकिन आपको जो प्राप्त हो रही होंगी वो 0 से 5 ml की होगी। आपको जो प्राप्त हो रही है वो 0 से 5 ml की सो बबल ट्यूब मिलेगी। तो इस चीज को भी गौर कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि 1000 यहां ml लिखा हुआ, मेरे पास तो 500 ml, इससे कोई उसका कैलकुलेशन अलग है, उसको मैं बता दूंगा। और ये दो जो स्टैंड जो दिख रहे हैं आपको, ये रोटामीटर के साइज के हिसाब से बनाया गया है, जो आपको जिस हिसाब से जहां लगाने की जरूरत पड़ी वो आप लगा लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये फ्लो कंट्रोलर है, एक तरह से नोजल है, ये फ्लो को आपको सेट करने का सहारा देता है। अब मैं आपका इसका कनेक्शन दिखाने जा रहा हूं।